आ भाई आज तो भाई लोंडा भाई देखो भाई फुल मस्ती में है भाई, व्लॉग व्लॉग शूट कर रहा। ये देखो गाइस कटिंग क्या ही कटिंग चल रही है यहाँ पे। विली ट्राई करते हैं। तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। और आज भाई सुबह सुबह हमारी मॉर्निंग राइड होने वाली है और ये राइड होने वाली है टीवीएस रेडर। वो सामने हमें बंदा सामने मिलेगा, मैं रास्ते में खड़ा हुआ, तो चलते हैं जल्दी जल्दी आपको दिखाते हैं। और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज की सुबह सुबह की इस राइड में। और भाई देखते हैं थोड़ा सा भगा के देखूंगा रेडर के साथ कितना जाएगी। तो भाई मैं जल्दी जल्दी से यार चलता हूँ, गाड़ी लेके खींचता हूँ थोड़ी सी और जल्दी से मिलते हैं भाई। रेडर खड़ी मिलेगी हमें वहाँ पे और रेडर के साथ थोड़ी सी हमारी ड्रैग रेस होने वाली है आज। थोड़ा सा गाड़ी को भगा के दिखाएंगे कि भाई कितना हमारी गाड़ी कितना भागेगी उसके साथ, क्योंकि मैंने रेडर को भगाया एक बार। रेडर की टॉप स्पीड मैक्सिमम जाती है 105। और भाई मतलब कमेंट भी करते हैं लोग, बोलते हैं कि भाई तू अकेला राइड करता है कभी, मतलब ग्रुप में या किसी के साथ ऐसे राइड किया कर। तो हाँ भाई फाइनली वो टाइम आ गया है भाई, मेरे दोस्त के साथ राइड कर रहे हैं अपनी सुबह सुबह और वो भी साथ व्लॉग शूट कर रहा होगा। और हमने थोड़ा सा यार इसका ना थोड़ा सेटअप चेंज करके देखा था और मुझे लग रहा है कि उतना ज़्यादा मतलब कुछ खास फर्क पड़ा नहीं, बल्कि आवाज़ ना थोड़ी भारी आ रही है, मतलब साउंड मेरा थोड़ा सा मोटा साउंड आ रहा है सुनने में ना। तो थोड़ी सी मेरे को लगता है कि मेरे को वापस से वही चीज़ करनी पड़ेगी माइक के साथ। तो एक बार इसको एक दो बार और ट्राई कर लेते हैं, अगर लगा कि हाँ थोड़ा ठीक है फिर मैं इसके साथ कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो फिर मैं अपना पुराने वाला ही माइक का सेटअप यूज़ करूँगा। कहाँ है भाई रेडर वाला बंदा हमारा? तो भाई वो आ गया है फाइनली हमारा रेडर वाला बंदा। भाई काफ़ी इंतज़ार करवाया इसने तो। और आ भाई आज तो भाई लोंडा भाई देखो भाई फुल मस्ती में है भाई, व्लॉग व्लॉग शूट कर रहा। चलो फिर चले। तो भाई रेडर के साथ आज होने वाली है हमारी, तो राज निकल चुके हैं भाई, फुल ड्राइव रेस होगी आज, कभी वो आगे कभी मैं पीछे। और भाई लोंडा फुल सेटअप बना के निकला भाई आज मोटो व्लॉगिंग का, ये देखो गाइस। और भाई ऐसी राइड अब ऐसी राइड आने वाली है जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए ना भाई, काफी मजा आएगा आप लोगों को वीडियो में और काफी सारे कॉन्टेंट आएंगे भाई अभी। और जल्दी तुम्हारा भाई भी ले लेगा बाइक, और ये तो भाई राइडर तो भाई बढ़िया बाइक है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई आज तो राइड करने में। और थोड़ा सा ना इसके आगे से थोड़ा भगाते हैं वहाँ, ऑटो से आगे निकालते हैं, भगा के लोगों का रिएक्शन देखते हैं क्या होने वाला है। और ये देखो भाई फुल लोंडा फुल मज़े में, और लोग देखेंगे ना ऐसे कि दो दो भाई राइडर तो भाई रिएक्शन क्या ही खतरनाक होंगे लोगों के भाई, एक नंबर रिएक्शन मिलने वाले हैं आज। बस भाई एक बार ना गाड़ी वाड़ी आ जाए यार दूसरी ना, फिर तो भाई बहुत मजा आने वाला है भाई व्लॉग शूट करने में। बस थोड़ा सा पंगा यार गाड़ी का पड़ रहा है, मैंने घर वालों से बात करी, घर वाले कह रहे कि तेरे को इससे क्या प्रॉब्लम है, मतलब घर वाले समझते हैं कि हाँ मतलब मोटा व्लॉग करता है, लेकिन ये कहता है ये बाइक तो अच्छी है भाई, घर वाले की सोच को मैं क्या ही कहूँ, घर वाले सोचते ही ऐसा है भाई, मैं उनको क्या ही बोलूँ। मतलब भाई कल भी घर वालों से बात करी और कल भी मेरे को बोल रहे हैं कि तेरे पास बाइक है तो सही, तू बाइक का क्या करेगा, खाने का पैसे ऐसे ही बर्बाद कर रहा है, तुझे पैसों की कदर नहीं है, ये है वो है भाई। घर वालों ने इतनी सुना दी, इतनी ज़्यादा सुना दी भाई, मैं कहाँ मुँह छुपाऊँ जाके, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ये देखो भाई हमारे पिंटू भाई रेडर के भाई फुल एटीट्यूड के साथ रेडर के ऊपर, वाह गजब लोंडे गजब। और भाई ऐसे ही मस्त मस्त व्लॉग आया करेंगे, और थोड़ा सा ना गाड़ी छोटी पड़ जाती है भाई, वो तो 125 सीसी की गाड़ी है, ये 98 सीसी का इंजन है, तो भाई बहुत ज़्यादा फर्क है, पूरा 25-25 सीसी का फर्क है। और भाई गाड़ी वाड़ी का भी हम देख रहे हैं कि भाई जल्दी से यार कोई गाड़ी वाड़ी मिल जाए यार अच्छी सी, यार फिर टेंशन खत्म हो जाएगी उस चीज की। और ये वाला हाईवे देखो गाइस कितना मस्त हाईवे बना रखा है, एकदम मक्खन वाला। मैं कह रहा हूँ अगर जेड एक्स टेन आर हो ना भाई अपने पास, तो मैं कह रहा हूँ मैं 300 से कम चलाऊ ही ना भाई, हालांकि मेरे से चलेगी नहीं लेकिन मजा
मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक कर रहा हूँ भाई, सीरियस मत लेना कोई बंदा भाई। वो तो मेरे को पता है कि 300 नहीं भगाई जाएगी, 300 भगाने के लिए 3 साल लग जाएंगे क्योंकि भाई बड़ी गाड़ी का बाद में स्प्लेंडर कैसे भी थ्रोटल घुमा दूँ, किस तरह की चला दूँ, ये ना तो वेली पॉप अप करती है ना कुछ करती है, लेकिन भाई वो 1000 cc की गाड़ी है, अगर गलती से एक बार भी थ्रोटल अगर एक बार भी गलती से घुमा जाए ना तो भाई भग जाएगी नीचे से निकल के और मैं पीछे पड़ा रहूंगा। क्या हुआ तो पिंटू भाई आज फुल फुल मुझे पता था कि आज ये व्लॉग शूट करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि मैं हम सोच रहे थे कि ऐसी राइड पे निकला है, लेकिन मुझे पता था पक्का कि आज व्लॉग शूट होगा जरूर। तो थोड़ा सा गाड़ी का खींचते हैं, डांस देखते हैं और अपने पिंटू भाई का ही ढाते हैं थोड़ा सा अपने पीछे कि खींचो भाई गाड़ी, खींचो खींचो रोड पीछे करते हैं। आजा भाई आजा बोला रेडर की भाई काफी सेक्सी बाइक लगती है देखने में ना, ये देखो भाई क्या ही लुक आता है गाड़ी का, ये देखो एक नंबर भाई, पीछे से देखो उसका, पीछे से तो गाड़ी का जो और जो मतलब राइडर का जो सिटिंग पोस्चर है ना वो काफी मतलब मस्त लगता है देखने में, मतलब बहुत ज्यादा अग्रेसिव भी नहीं है और बहुत ज्यादा स्पोर्टी भी नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है देखने में। सामने से कोई भी बंदा बैठेगा ना, मैं कह रहा हूँ बच्चे ही बैठ जाएगा ना उस बाइक पे, तो काफी अच्छा लगता है। रेडर बाइक वैसे है वो बहुत बढ़िया। अरे यार पंगा हो गया गाइस, मेरा तो पोपट हो गया, सौरव जोशी व्लॉग्स, मेरा तो पोपट हो गया गाइस, और मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है और पीछे पिंट भी आ रहा है और मैं भाई किसी को रोस्ट नहीं कर रहा हूँ, प्लीज इसको पर्सनली मत लेना गाइस। भाई पता नहीं क्या हो गया था, वो पीछे रुक गया था, अभी तेजी से आगे निकल गया, मुझे लग रहा उसमें देखा ही नहीं। ये देखो गाइस कटिंग, क्या ही कटिंग चल रही है यहाँ पे, भाई ये कटिंग देखो तुम, कटिंग चल रही है खतरनाक वाली यहाँ पे सुबह सुबह। देख रहे हो भाई ये कटिंग, हाँ सा तुम्हारे आइस ब्लेंडर पे भी ऐसी कटिंग कर देता है तो भाई सोचो सोचो तुम लोग क्यों नहीं सोचते यार मेरे बारे में। भाई मेरे बारे में सोचो गाइस थोड़ा सा, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारा भाई हाइपर राइडर बनने वाला है कुछ दिनों में, बढ़िया वाला, बस तुम्हें कटिंग चेक करते रहो अगर। ओ भाई पिंटू तो निकल गया भाई आगे, ये हमें कहाँ छोड़ के भग गया। एक ये रास्ता साला इसको भी बनवा दो भाई, काहे हमका इतना कष्ट दे रहे हो भाई, इसको जल्दी से बनवा दो फिर यार, गाड़ी हमारी यार गंदी हो जाती है ऐसे रास्ते में, गाड़ी चलाने का ना भाई मजा ही नहीं आता। अब देखो मैं साइड से ले जाऊंगा गाड़ी को निकाल के ताकि मेरी गाड़ी गंदी ना हो। और पिंटू देखो भाई कहाँ जा रहा है, ये पानी में घुसा। पेट्रोल डलवाएगा शायद, मैं रुक जाता हूँ साइड में। तो भाई फ्यूल अप करा लिया है उसने गाड़ी में और भाई हम चलते हैं, गाड़ी में बोल रहा हूँ बाइक में, हमारे एमके ट्रक राइडर फिर से लिख देंगे गाड़ी। तो भाई गाड़ी क्यों बोलते हैं बार बार, सॉरी सर आज के बाद नहीं बोलूँगा भाई, मुझे कमेंट में किसी से डर लगता है, सिर्फ एमके ट्रक राइडर से लगता है क्योंकि भाई वो मेरी छोटी छोटी गलती पकड़ते हैं, बोलेंगे तूने गाड़ी बोला फिर से गाड़ी, अबे गाड़ी नहीं भाई बाइक होता है ये बोलते हैं मेरे को हर बार। ठीक है सर मैं ध्यान रखूंगा, मैं गाड़ी नहीं मैं बाइक ही बोलूंगा। बताओ यार कौन चलाएगा इसी रोड पे गाड़ी, ये मखमली सी रोड पैर ऊपर करके बैठ जाता हूँ आराम से और बस ऐसे चलता हूँ धीरे धीरे।
ये मखमल सी रोड है जिस पे हम चले। ये देखो सामने से एक और राइडर। मैन वर्सेस वाइल्ड। और हम यहाँ फंस चुके हैं, यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल सा लग रहा है, और ये जो रास्ते हैं हमारे लिए बहुत ही कठिनाई और दर्द भरे रास्ते हैं। मैन वर्सेस वाइल्ड। और बहुत ही लंबे सफ़र के बाद हम यहाँ से बाहर निकल के हमने राहत की सांस ली है, और हम अभी खाने के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं ताकि हमें कुछ मिल जाए। वो देखो वो क्या है सामने, कुत्ता। हम इस कुत्ते को मारकर खाने वाले हैं ताकि हमारी भूख मिट जाए। इसमें काफ़ी ज़्यादा जहर भी होता है तो हमें कुछ चीज़ें बचाकर खानी पड़ती हैं। तो चले गाइस, ये है रेडर और फिर से हमें लगने वाली है हमारी ड्रैग 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 रेस। लोगों का रिएक्शन भाई। और तो इंद्रा भी ऐसे कट मारा सी, मैंने पीछे मेरा मदर का भी मैंने जैसे कट मारा, उसने भी ऑटो वाले के सामने ऐसे कट मारा। नाइस ब्रो, नाइस 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 गजब। ये नोंडो, ये पेंट फुल छोड़ दे। ये लोंडो, ये लिंक चेक करना गाइस। यहाँ पे भी यार वही पंगा, लीन करो तो फिर दिक्कत है कौन सी कि कहीं से कोई निकल ना जाए, क्योंकि थोड़ा सा गांव का रास्ता है, मतलब गांव से होके जा रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा आराम से चलना पड़ता है, कभी पता चले हमारा प्रॉफिट हो गया। आई होप गाइस आप लोग ये ब्लॉग काफी एंजॉय कर रहे होंगे, और भाई अगर आपने ब्लॉग को यहाँ तक देख लिया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करेगी ना बिल्कुल भी मत जाना, और भाई वीडियो को लाइक जरूर से कर देना मेरी जान, और भाई कॉमेंट जरूर करके जाना कि भाई आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई कमेंट जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को, और जल्दी जल्दी से भाई हम 200 के बहुत ही करीब है, और भाई जल्दी से हमारे 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दो आप लोग, ताकि भाई हम और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों को ले लें, और भाई हमें भी अच्छा लगे व्लॉग जो शूट करने में, तो उस चीज़ से भाई काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है हमें और भी ज़्यादा। तो बस ये छोटी सी चीज़ है आप लोगों के लिए, भाई ये कर दो तो बाकी। और हम भाई कल गए थे विली ट्राई करने, लेकिन यार विली का यार मैं प्रॉपरली विली कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है विली करने में, क्योंकि मतलब प्रॉपर हो जाती है विली लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं चला पाता हूँ, थोड़ा उठती है गाड़ी और कभी कभी डिसबैलेंस भी हो जाती है, तो वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मतलब सीखनी पड़ेंगी अच्छे से, थोड़ा थोड़ा करके सीख ही जाएंगे। अभी पहले तो विली पॉपअप भी नहीं हो रही थी स्टार्टिंग में, और अभी तो मतलब अच्छी खासी पॉपअप हो जाती है, और धीरे धीरे थोड़ा सा सीख जाएंगे उस चीज़ को, और जल्दी फिर वीडियोस में विली भी आया करेंगे रोड पे गाड़ी चलाते चलाते ना, ऐसे गाड़ी तुम्हारा भाई एक टायर पे चलाया करेंगे गाड़ी। तो थोड़ा थोड़ा करके सीख जाएंगे गाइस, और फिर आपको अच्छे अच्छे विली मार मार के दिखाया करेंगे वीडियोज़ में, क्योंकि भाई मैं काफ़ी सारे यूट्यूबर्स का वीडियो देखता हूँ तो भाई काफ़ी अच्छा लगता है जब वो विली करते हैं। तो पिंटू फिलहाल हमसे निकल गया आगे, तो थोड़ा सा उसके पास ले जाते हैं गाड़ी, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गाड़ी का थोड़ा सा खींचना पड़ेगा। मैं उसको बोल रहा था कि एग्जॉस्ट चेंज करा ले अपनी बाइक का, तो ये कह रहा है नहीं यार मेरी बाइक को ओरिजिनल एग्जॉस्ट है, मुझे चेंज नहीं कराना, मैं नहीं चेंज कराऊंगा। मैं बोल रहा था इसकी एग्जॉस्ट चेंज करा ले तो भाई तेरे को मजा आएगा गाड़ी चलाने में, जब गाड़ी ऐसे बेस मार के चलेगी ना ऐसे करती चलेगी ना तो भाई मजा ही आता है गाड़ी चलाने में। लेकिन भाई मैं आता हूँ जिस दिन बाइक ले लूँगा ना सबसे पहले एग्जॉस्ट चेंज कराऊंगा, चाहे मुझे अकरा पोविक का ही क्यों ना लगाना हो उसमें एग्जॉस्ट। तो गाइस हम जाएंगे पुल से ऊपर चढ़ गए और गाड़ी थोड़ा खींचते हैं, ऑटो ऑटो में रिएक्शन चेक करते हैं एक बार। और हमें जाना है भाई हाईवे के ऊपर से, और इधर से निकलना है हमें, तो पहले जाएंगे हाईवे पे ऊपर और उसके बाद फिर जाएंगे सीधा यमुना नगर।
जैसे आप जानू भाई की वीडियो देखते होंगे ना कि सिधरा जा रहे हैं गाइस, सिधरा जा रहे हैं तो भाई ऐसे हम यमुनानगर जाते हैं, यमुनानगर से घर आते हैं और घर से यमुनानगर जाते हैं, हमारे जानू भाई सीधा वहाँ जाते हैं सिधरा। हमारे लिए तो भाई यही एक रूट है अच्छा सा, और हमारे लिए तो भाई यही एक रूट है अच्छा सा, और बढ़िया उठ गई थी रिकॉर्ड होगी इसमें तेरा, इसमें बंद कर रखा कैमरा। सो गाइज आज का व्लॉग बस यहीं पर ख़त्म करते हैं, और भाई अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, भाई दोस्तों में शेयर कर देना, और आज के वीडियो बस इतना ही। तो ऐसे ही भाई व्लॉग में बने रहे और ऐसे ही प्यार देते रहे। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।